व्लॉग हकनवा खान व्लॉग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद, बहुत सारा प्यार, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी हाँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। व्यूवर्स, आज है 25वां रोज़ा और 25वां रोज़ा भी जो है बिल्कुल इख्तिताम पज़ीर है और कुछ घंटों का मेहमान है, ये भी गुजर जाएगा आज और ईद भी आने वाली है। व्यूवर्स, मेहमान महीना है, बहुत तेज़ी से गुजर गया, इसका पता ही नहीं चला। और अब 5 रोज़े या 4 रोज़े अब कन्फर्म नहीं है कितने बाकी हैं, लेकिन जहन में 5 ही रखे हुए हैं। अल्लाह पाक हमें ये जो रोज़े रहते हैं इनमें बढ़ चढ़ कर खिदमत करना नसीब करे और अल्लाह ताला से दुआ है आने वाले साल में भी इस महीने की सादत नसीब फरमाए। तो व्यूवर्स, ईद का समा है, आमद है ईद की और आप लोगों के घर में भी सफाइयाँ सुथराइयों का काम हो रहा होगा, सफाई वगैरह का। और इसी तरह हमारे भी छोटे छोटे कमरे हैं, देसी माहौल है, गांव की जैसे लाइफ होती है व्यूवर्स, तो हमारा भी एक कमरे की जो है वो सफाई जारी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गांव के माहौल है, छोटे छोटे कमरे हैं, वो सफाई हो रही है कमरे की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करना मत भूलें। आप शेयर करेंगे तो भाई को सुकून होगा और भाई खुश होगा, तो भाई खुश होगा तो अल्लाह राज़ी होगा, जब अल्लाह राज़ी होगा तो आपकी सोच लें इंतहा कोई नहीं। आप जाएं अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह मुझे खुश करते रहें। आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद इसी तरह का प्यार का सिलसिला जारी सारी रहेगा। तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ है, फंटेस्टिक फंटेस्टिक अमेजिंग मोमेंट है, ठंडी यख हवा है, फ्रेश फ्रेश ताज़ा व्यूवर्स। दुआ करें ये बादल जो हैं बारिश में तब्दील हो जाएं। तो आई मैं ज़रा सा आपको दिखाता हूँ अपना घर, सफाई हो रही है कमरे की और माहौल भी। व्यूवर्स ये चेक करें, बादल आए हुए हैं, आज सुबह से मौसम बहुत प्यारा था और दुआ करें ये बारिश में तब्दील हों। तो दुआ है रब से कि ये बादल बारिश में तब्दील हों। ये देखें आह माशाल्लाह, फ्रेश फ्रेश ताज़ी ताज़ी हवा है। ये कैटो भी आ गई, यहाँ कैटो क्या बात है, ये अपने नशे में गुम है। तो आए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने कमरे में, छोटा सा कमरा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूवर्स, गांव के जिस तरह के मकानात होते हैं ये देखें व्यूवर्स, ये छोटा सा कमरा है व्यूवर्स हमारा। और ये देखें ये सामान इधर उधर पड़ा हुआ है सारा, और ये चेक कर लें माशाल्लाह, ये चरपाइयाँ हैं, ये भी निकालेंगे बाहर। ये कानस होती है व्यूवर्स, हम इनको अपनी ज़बान में कानस कहते हैं। ये देखें आप, ये देखें जी अल्लाह की फ्रेम है। और ये कमरा है छोटा सा व्यूवर्स, और ये हमारी प्यारी सी हायर वालों की फ्रिज है, हायर ये देख सकते हैं आप, हायर वालों की फ्रिज है। और ये फुल साइज़ से एक साइज़ कम है। और ये कमरे की सफाई हो रही है व्यूवर्स, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। और ये सामान कुछ बाहर पड़ा हुआ है, कुछ कमरों में पड़ा हुआ है क्योंकि बादल के समा है तो कमरों में पड़ा हुआ है, तो ये काम जारी है। तो आए थोड़ा सा बाहर चलते हैं, बाहर का माहौल भी चेक करते हैं। इसमें बाहर आ चुका हूँ और बिल्कुल फ्रेश 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 ताज़ी ताज़ी हवा है व्यूवर्स, बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। ये देखें बादल भी आए हुए हैं, दुआ है रब से कि ये बादल हों बारिश में तब्दील, और जहाँ जहाँ बारिश की ज़रूरत है वहाँ बारिश का नज़ूल हो, रहमत की बारिश का। ये देखें आए मैं थोड़ा सा चलता हूँ रोड पर, आज बड़ा इन्होंने शोर मचाया हुआ था आज फिर से व्यूवर्स। ये देखें ये शीतल है, ये बड़े शौक से खाते हैं जानवर, हम इसको अपनी ज़ुबान में शीतल कहते हैं। ये देखें हवा से कैसे ये हिचकोले खा रही हैं, हाँ 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 ज़बरदस्त व्यूवर्स, ये चेक करें माशाल्लाह बड़ा प्यारा सीन है। तो आए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ रोड थोड़ा सा। तो ये ना व्यूवर्स ये देखें काफ़ी सारा इन्होंने काम कर लिया है और बड़ी मशीनें लगी हुई थी। ये देखें ये बिल्कुल प्लेन कर दिया इन्होंने रोड को, ये चेक करें आप ये लें। तो अब उम्मीद है कि ये फ़ाइनल स्टेप हो और इस पर ब्लैक टॉप जो है वो बिछा दें, ब्लैक टॉप ही आखिरी मराइल हो। ये देखें आप ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ है, ताज़ी ताज़ी फ्रेश फ्रेश हवा है। तो व्यूवर ये देखा आपने बड़ा ही प्यारा माहौल बना हुआ है और फ्रेश फ्रेश हवा है, ये मैंने आपके साथ रोड का शेयर किया। ये देखें बिल्कुल अब प्लेन हो चुका है, तो अब दुआ है कि ये फ़ाइनल हो क्योंकि ये मशीनें चलती हैं तो बहुत शोर होता है इनका, तो आसपास की जितनी आबादी है या मकानात हैं तो वहाँ शोर जाता है इनका, आवाज़ें तो नींद नहीं आती। ये देखें बड़ा ही टफ माहौल है। तो व्यूवर्स ये देखें आप ताज़ी ताज़ी हवा, ये कपड़े भी आप देख रहे हैं हवा की वजह से उड़ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ है। और उम्मीद है कि जो ईद आने वाली है ईद तक मौसम यूं ही रहे, फ्रेश फ्रेश ताज़ी हवा के साथ
हल्की रिम जिम, तो मज़ा ही आ जाए, व्यूवर्स चस आ जाए। दुआ करें रब से किसी तरह वो रहमत की बारिश हो और 3-4-5 दिन जो हैं वो इसी तरह के खूबसूरत खूबसूरत गुजर जाएँ, और जो रमज़ान है वो भी। तो आज तो मौसम ने इंतहा किया, रोमांटिक मौसम है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। और आपने भी वर्स कमेंट्स करके बताना है कि आपके इलाके में मौसम कैसा है, फ्रेश फ्रेश है या गर्मी है, धूप है। हमारे इलाके में आज जो आज का मौसम है ओवरऑल बहुत बेहतर है और बड़ा मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं इस महीने तो है ही बरकतों वाला महीना, सब्र का महीना है। जितना सब्र शुक्र करेंगे अल्लाह पाक उसको अपना ही अजर अजीम अता करेंगे, और बड़ा ही फंटेस्टिक माहौल आ रहा ज़बरदस्त। ये आज फिर हवा का झोंका आया, ताज़ी हवा का और ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है व्यूअर्स। तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा मोमेंट शेयर करूँ बाहर का, तो अब चलते हैं घर में और देखते हैं घर का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो लेट्स गो व्यूअर्स, घर आ गया हूँ और सामान इन्होंने निकाला हुआ है बाहर, ये देखें आप, और सामान जो है वो बाहर आ चुका है, पेटियाँ वगैरह जो हम पुराने ज़माने में पेटियाँ होती थी और गाँव में अब भी हैं पेटियाँ, ये देखें ये सामान बाहर निकला हुआ है। तो आइए थोड़ा सा और दिखाता हूँ मैं आपको। जी मैं अंदर आ गया हूँ और मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी थी, ये देखें ये बारिश की वजह से ये हमारा सारा जो छत है ये ख़राब हो चुका है, और ये मड़वन इसको कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, ये जो फ्रंट जिस पर सामान रखा हुआ है बस अपनी ज़ुबान में, और ये देखें ये सारा बारिश की वजह से ख़राब हो चुका है, काफ़ी नुकसान हुआ हुआ है हमारा ये, और दीवार भी ख़राब हो चुकी है इसकी वजह से, बड़ा परेशान हैं हम और समझ नहीं आ रही क्या करें, बहुत मिस्त्री आए हैं इनका हल नहीं निकाल सके। ये देखें ये सारा तोड़ तक जो है ना सारी दीवार ख़राब हुई हुई है, छत भी साथ में ये देखें सेम आ रही है, बड़ा नुकसान किया हुआ है इसने, और ये देखें सारा नीचे तक पानी आता है बारिश की वजह से, इसकी वजह से बड़े परेशान हैं। तो ये देखें भी बस कमरा खाली हो चुका है और अब इसको धोया जाएगा ताकि ये साफ़ सुथरा हो जाए, बिल्कुल ईद की तैयारी है, आमिद है। तो चलें आएँ इसको धोना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स अब कमरे की धुलाई करते हैं, इसको धोते हैं। हम इस तरह हर साल करते हैं रमज़ान के एंड में जब ईद की आमद होती है तो अपने अपने कमरों को धोते हैं, साफ़ करते हैं। तो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमान पानी डालते हैं इस तरह, फिर पानी डाल के ये झाड़ू लिया, झाड़ू से फिर इस तरह सफाई, तो ये कमरे की सफाई तो लगी का काम तो लगा रहेगा। जब ये बिल्कुल इंशाल्लाह धुल के फ्रेश हो जाएगा, मुन्ना हो जाएगा, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो करते हैं थोड़ा सा मजीद वेट इसको ताकि बिल्कुल साफ कर सके। तो ले व्यूअर्स कमरा धुल के साफ सुथरा, चुन्ना मुन्ना जैसे एक नया बच्चा धुल के खुशगवार मूड में आ जाता है, इसी तरह ये कमरा भी धुल के साफ़ सुथरा हो गया है। अब इसमें लगाया जाएगा सामान, ये कानस है, यहाँ बर्तन लगाए जाएंगे, तो अब वो लगाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करते जाएंगे। तो ले व्यूअर्स कमरा धुल के साफ़ सुथरा हो चुका है, पप्पू एकदम फिट। ये लें हमारा कमरा रेडी हो चुका है, ये वाला ये लें, यहाँ पर कपड़ा लगा दिया गया है, और ये लें ये कानस पर बर्तन भी लग गए हैं व्यूअर्स। ये छोटा सा कमरा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हमने इसका सफाई वाला काम किया है इसका, और जो कंप्लीट हो चुका है ये थोड़ी सी सेटिंग रहती है वो भी इंशाल्लाह करेंगे। अब टाइम शार्ट है, अब चलते हैं किचन में क्योंकि इफ्तार का टाइम भी नज़दीक होता जा रहा है। तो कमरा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है, अब चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या हो रहा है। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह किचन में आ चुके हैं और फ्रूट काट के रेडी हो चुका है बिल्कुल, और ये रूह अफ़ज़ा शरबत भी रेडी होने वाली है, और साथ में इसके पकौड़ों का जो बेसन है वो भी मसाला बन के रेडी हो चुका है, और अब तलने का अमल रहता है व्यूअर्स। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रेडी हो चुका है, और क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है तो यही चीज़ें हैं शॉर्ट शॉर्ट सी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ व्यूअर्स। तो अब इनको बनने देते हैं पकौड़ों को, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अब आपसे दस्तरखान पर मुलाकात होगी। तो आएँ चलते हैं दस्तरखान पर। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लग चुका है, आज दस्तरखान पे माशाल्लाह चीज़ें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। आज है फ्रूट, साथ में हैं पकौड़े, साथ में हैं समोसे, साथ में है चाट। चाट तो वैसे भी होता है लेकिन ये चाट स्पेशली है, आज चाट हाज़िर हो गया, वैसे चाट लेट हो जाता था। ये लें ये है शरबत, ये है अलग से कटा हुआ
खरबूजा, अदवाना, आए हाय हाय ज़बरदस्त, साथ में है पानी सादा। तो व्यूअर्स आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, आज बहुत सी प्यारी प्यारी चीज़ें मौजूद हैं दस्तरखान पर, और जितना शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह पाक ने इस नेमतों से हमें नवाज़ा, अल्लाह पाक हमारे और आपके दस्तरखान पर हज़ारों करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। व्यूअर्स आज है 25वां रोज़ा, जो अभी एक दो मिनट के बाद इफ्तार हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह रात आ जाएगी सहरी 26वें रोज़े की, अल्लाह पाक हम सबको नसीब करे। तो आए इंशाल्लाह दुआ करते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं, रोज़ा इफ्तार करने के बाद मज़ीद आपसे गुफ्तगू। बस अल्हम्दुलिल्लाह आज 25वां रोज़ा था जो अल्लाह के हुक्म से इफ्तार हो चुका है, और तकरीबन 5 रोज़े रह गए हैं, 5 रोज़ों का मेहमान रह गया ये महीना। तो दुआ है अल्लाह से बढ़ चढ़ कर जो रोज़े रह गए उसमें हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी हमें भी। और आज घर की सफाई की ईद से पहले, और ये देखा आपने मैंने आपके साथ शेयर किया डेली इफ्तार रूटीन भी, तो ये छोटा छोटा मोमेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा और करेंगे इंशाल्लाह। तो अब अजानें हो चुकी हैं, नमाज़ की तरफ भी जाना है व्यूअर्स। तो मैं यही कहना चाहूँगा जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करना मत भूलें। आप शेयर करेंगे तो भाई को अच्छा लगेगा, भाई खुश होगा तो अल्लाह की ज़ात खुश होगी आपसे। आप इसी तरह प्यार मोहब्बत करते रहिए, आपकी प्यार मोहब्बत की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इस प्यार मोहब्बत को यूँ ही कायम रखना इंशाल्लाह, और इसी तरह चलते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। हिफ्ज़ो अमान में रहें, खुदा हाफिज़।